हमारा जो सो हमारा जो इक्विलिब्रिया है, दे आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया. वन इज अ होमोजेनस इक्विलिब्रिया एंड द अदर वन इज अ हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम. ओके, होमोजेनस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इफ द रिएक्टेंट्स आर सॉलिड, द प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो सॉलिड. ओके, इफ द रिएक्टेंट्स आर लिक्विड, इफ द रिएक्टेंट्स आर लिक्विड, देन द प्रोडक्ट्स विल बी व्हाट गाइस? मेरे इलेवेंथ कितने शांति प्रिय है, किस किस का नाम यहाँ पे शांति है? नहीं ना. ओके, अब इफ द रिएक्टेंट्स आर गैसेस, देन द प्रोडक्ट्स विल बी गैसेस. परफेक्ट. ओके, सो दिस इज अ होमोजेनस इक्विलिब्रिया दैट वी डिड टिल नाउ. इन अ हेटरोजेनस इक्विलिब्रिया फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फेज क्या होता है? व्हाट इज द फेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? सॉलिड. व्हेन वी डिकम्पोज इट व्हाट डू वी गेट? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस. नाउ लुक आउट हियर, सॉलिड है गैस है. This type is known as a heterogeneous equilibria. Now, when we are writing the Kc of this kind of a compound, so again, we have what? We have the product, and then we have the reactant in the denominator. Now, who remembers what I had taught 3-4 classes ago? Can we find out the concentration of a solid? No, sir. So this equation basically boils down to what? CO2. Only CO2. Shabash. It only boils down to basically CO2 because the concentration of a solid cannot be measured. Let's take another example. Okay. Let's take another example. CaOH whole twice. Okay, CaO. हाँ जी बेटा. सर अगर कोई गैस ना हो तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा फिर? फिर तो गायब ही हो गया. अगर तीनों सॉलिड हुआ ना बेटा तो कौन से आपका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट विल स्ट्रेट अवे बिकम जस्ट वन. ओके ओके सर. व्हेन वी एड वाटर टू इट, एक्वेयस मीडियम, ये हमारा सॉलिड है, इट बिकम्स Ca2 पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव. सो नॉर्मली इफ वी आर गोइंग टू राइट द केसी, ओके गाइज गो अहेड, ऊपर न्यूमरेटर में कितने शांत है भाई. सर OH ट्वाइस ऊपर स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? CaOH होल ट्वाइस. बट क्या ये CaOH होल ट्वाइस लेंगे हम? नो सर. नो सर. सो बेसिकली दिस इक्वेशन विल बिकम व्हाट? Ca2+ एंड OH minus to the power of 2. ठीक है ना? ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. एनीबॉडी हैज अ डाउट प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड कीप ऑन आस्किंग. सर वो डिनोमिनेटर भी हट गया था. डिनोमिनेटर इज अ प्योर सॉलिड बेटा. सॉलिड का क्या हम मेजर कर सकते हैं? नो सर. नो. ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन. निकल सॉलिड combines with carbon monoxide 4 moles, which is a gas, to give us nickel carbonyl. Okay,
एंड निकल कार्बोनिल इज अ गैस. ओके, हु वांट्स टू आंसर? लेट्स से दिव्या. दिव्या बताना इसका आंसर क्या होगा. तो निकल कंसंट्रेशन ऑफ निकल कार्बोनिल फोर अपॉन निकल कंसंट्रेशन ऑफ निकल इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड रेस टू द पावर फोर. ओके, अब इसमें से अनुकृति क्या कट जाएगा? स्नेहा क्या कट जाएगा बेटा? सर आंसर बना आएगा? नहीं, आंसर वन नहीं आएगा. ये गैस है, ये गैस है. सर निकल. एग्जैक्टली, ओनली निकल विल गेट कैंसल्ड ऑफ. ठीक है, बाकी दोनों विल बी दे बिकॉज हम गैस का प्रेशर मेजर कर सकते हैं. केपी, अभी थोड़ी देर पहले हमने केपी किया था, तो गैस का प्रेशर अगर मेजर हो सकता है तो हम केपी ढूंढ सकते हैं. अगर केपी ढूंढ सकते हैं तो हम केसी भी ढूंढ सकते हैं. ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. सिल्वर ऑक्साइड. लेट्स गो टू द न्यू पेज. इस पेज में जगह नहीं है, कम ऑन, थोड़ा और नीचे. ओके, नाउ Ag2O. ये इसका नाम क्या होगा श्रेया? Ag2O. तनिषा, सिल्वर ऑक्साइड. सिल्वर ऑक्साइड. एंड HNO3 क्या होता है? व्हाट इज HNO3? नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड. ओके, देन वी गो अहेड टू तमन्ना. तमन्ना, AgNO3 क्या होता है? सिल्वर नाइट्रोक्साइड. सिल्वर नाइट्रेट. ठीक है, एंड देन ये लास्ट वाला तो क्या पूछना, पूछना ही क्या, ये तो वाटर. ठीक है, अब बेटा वाटर इज इन द लिक्विड फॉर्म. ठीक है, वाटर इज इन द लिक्विड फॉर्म. ठीक है, अब प्योर लिक्विड है. ओके, प्योर लिक्विड है, ध्यान में रखना. अब बेटा इसका नॉर्मली के सी लिखेंगे तो शिवम, इसका के सी लिखेंगे तो क्या होगा बेटा? सर इसका केसी होगा AgNO3. हाँ, AgNO3 की पावर स्क्वायर. हाँ, प्लस H2O मल्टीप्लाइड बाय H2O अपॉन डिवाइडेड बाय Ag2O. Ag2O मल्टीप्लाई HNO3 HNO3 स्क्वायर. बिल्कुल सही. Okay, Pritha, what are the things that are going to cancel? Thing or thing? Sir, Ag2O. Ag2O gaya because it is a solid. Okay, Ag2O is gone because it is a solid. Cancel hoga. Aur main kehta hu Naveen ki water bhi jayega. Kyun water jayega? Sir, kyunki ye pure mein koi concentration nahi. एग्जैक्टली, प्योर वॉटर है, प्योर लिक्विड है. जो प्योर लिक्विड है उसका हम मोल्स पर लीटर कैसे निकालेंगे? मोल्स पर लीटर तो क्या होता है? सल्यूट अपॉन सल्यूशन. इसमें तो सिर्फ वॉटर ही वॉटर है, नो सल्यूट नो सॉल्वेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन निकल ही नहीं सकता है. इसीलिए वॉटर भी क्या हो जाएगा? कैंसिल. सो बेसिकली वॉट आर वी लेफ्ट विथ इज AgNO3 जो कि अक्वेयस मीडियम में है, डिवाइडेड बाय हमारा नाइट्रिक एसिड जो कि हमारा अक्वेयस मीडियम में है. सो दीज आर द टू थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी देयर. ओके, नाउ लेट्स लुक एट अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केपी फॉर दिस रिएक्शन ढूंढना है. रिएक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस कार्बन सॉलिड is in equilibrium with two carbon monoxide gas
okay, and the value of Kp is 3. The value of Kp is 3 at what? At 1000 Kelvin. At 1000 Kelvin, pressure of CO2 is 0.48 bar. The initial pressure of CO2 is 0.48 bar. Okay, and then it says, and PCO is 0 bar initially. Wo to ho gayi. Pure graphite is present. Calculate the equilibrium partial pressure of CO and CO2. Perfect. Okay, guys. अब मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ेगी. हम वत्सला पे हैं. वत्सला, हमारे पास ये इनिशियल, ओके, द इनिशियल वैल्यू ऑफ CO2 इज 0.48. ओके, CO का जीरो होगा बेटा. जब इक्विलिब्रियम हुआ तो वी विल गो अकॉर्डिंग टू द रेशियोज. जब इक्विलिब्रियम हुआ, ये अगर 2x बना तो कार्बन डाइऑक्साइड में से कितना कम होगा? रेशियो इज 1:2. 0.48 - 2x - 1x. ठीक है, क्यों? ये देखो बेटा, ये 1 है तो ये 2 है, तो यानी कि ये 2 बनेगा तो यहां से 1 ही कम होएगा. यहां से कितना कम होएगा? 1 ही कम होएगा. वंस मोर आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू ऑल गाइस. आई एम इरेजिंग द इक्विलिब्रियम वाला पार्ट एंड आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू ऑल वंस मोर. टेक अ लुक एट इट. लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन. लेट्स गेट समथिंग डिफरेंट. ओके, द चेंज दैट इज गोइंग टू हैपन बेटा. Change that is going to happen, जो change हमारा होना है, okay, जो change होना है, it will be in the ratio, solid को तो हमें देखना ही नहीं है, in the ratio 1:2. तो अगर ये 2x change है, तो ये x change होगा, ratio 1:2, ये बना, ये plus में होगा, it got formed. तो ये जितना बना उतना ही ये कम होगा. तो अब बचला बताना, इक्विलिब्रियम में मेरे पास क्या क्या हो जाएगा? CO2 कितना बचा? 0.48 - x. आई परफेक्ट. एंड हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड इज 2x. ओके, नाउ लेट्स गो टू अपूर्व. अपूर्व बेटा, फॉर्मूला बताना Kp का. यहाँ पे Kp क्या हो जाएगा? किसका प्रेशर न्यूमरेटर में, किसका प्रेशर डिनोमिनेटर में? सर, PCO2 to the power 2. एग्जैक्टली, PCO2 to the power of 2 डिवाइडेड बाय PCO2. बिल्कुल सही. ओके, PCO2. Kp का वैल्यू कितना दिया है? ओके, लेट्स गो टू अपूर्व के बाद से निदर्शना. निदर्शना, वैल्यू ऑफ Kp कितना दिया है बेटा? इधर है निकिता. 3. ओके, PCO का वैल्यू कितना लेंगे? एट इक्विलिब्रियम क्या वैल्यू है PCO का? वी हैव विद निकिता ओनली 2x. सो ये हो गया 2x का होल स्क्वायर. एंड CO2 का वैल्यू कितना लेंगे एट इक्विलिब्रियम? 0.48 - x. Perfect. 0.48 - x. Okay. Now let's go to Mr. Elawat. Mr. Aryan Elawat. ठीक है. Aryan, ये डिनोमिनेटर इधर आएगा तो 3 से क्या होएगा? डिवाइड मल्टीप्लाई. 0.48 - x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होएगा? मिस्टर अलावत, तन्वी, ये कहाँ चले जाते हैं मेरे बच्चे 11th वाले? समीर, हाँ तन्वी आ गई. हाँ, मल्टीप्लाई. ओके, 0.48. गाइज, आई हैव टोल्ड यू गाइज,
इतना ही टाइम मिलता मुझे यार, 45 मिनट्स टू 1 आवर, इतना ही टाइम अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन से दे दोगे ना आप लोग, आई गारंटी मैं आप लोगों को 80 तक पहुंचा दूंगा। लेकिन ये इस टाइम पे भी अगर आप लोग इधर उधर कुछ भी कर रहे होगे ना, तो आई गारंटी यू ऑल वन थिंग, 20 से कम आएगा फाइनल एग्जाम में, ठीक है? ओके, 11th का, एंड दिस इज, यू नो, दिस इज द फैक्ट, वी हैव बीन सीइंग दिस एवरी ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। ओके, सो अब चलते हैं इसका 48 × 3, कौन बताएगा? आदित्य, 48 × 3? 144, सो 1.44 माइनस 3x, ओके 4x स्क्वायर। अब बेटा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ गाइस, देखना सही लिखा कि नहीं लिखा, इज इट करेक्ट और शुड वी चेंज इट? करेक्ट करेक्ट। ओके मिस पांडे, दिस टाइप ऑफ एन इक्वेशन इज नोन एज व्हाट? ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, बाइक्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, ओके। सो सिद्धक, सिद्धक बेटा अब इसमें आपने मुझे बताना है ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, ए क्या है बेटा? फोर। फोर किसको फोर है? बी क्या है बेटा? बी क्या है? थ्री। थ्री। सी क्या है? -1.44। ओके लेट्स गो, लेट्स गो बैक। अभिषेक बेटा, बी का फॉर्मूला क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, थोड़ी देर पहले किया था? b² - 4ac। ऐ शाबाश, b² - 4ac। सो लेट्स पुट द वैल्यू, 3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 4, c इज -1.44। मैं अब क्वेश्चन पूछने वाला हूँ दिव्या और अनुप्रीति से। दिव्या, 3 का स्क्वायर? सर 9। 9, 4 स्क्वायर 4 फोर 16। अब जल्दी से कोई मुझे ये मल्टीप्लाई करके बताओ, 16 × 1.44 विदाउट द कैलकुलेटर? 23.04। ऐ शाबाश यार, 16 × 24, 16 × 64, 16 × 64, 80, 16 × 16 + 8, 24, 24.04 बेटा। यस सर। ओके अब 24.04, प्लीज ऐड दिस, 9 + 24.04 कितना? 33.04। ओके अब लेट्स गो बैक, 23.04 है क्यों बेटा? यस सर। सो 23.04, सही सही सही, 23.04 ही है। सो दिस विल बिकम 32.04, ठीक है? ओके गाइस, लेट्स गो बैक टू, हाँ जी बेटा, लेट्स गो बैक टू क्लास 8। क्लास 8 में हमारे पास ये ऐसे था, यहाँ पे और यहाँ पे क्या नंबर लिखेंगे? 32 का क्लोजेस्ट स्क्वायर 5, 5, 5, 5 = 25। बचा हमारे पास 7, पेड़ नीचे आ गया 704, 5 + 5 हो गया 10। यहाँ पे खाली क्या लिखेंगे यहाँ पे? 7, 7। हाँ 6, 6, 6 लिखेंगे, 7 में तो 700 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है? सो स्क्वायर रूट ऑफ डी आ गया ±5.6। अब हु विल टेल मी द फॉर्मूला फॉर एक्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्स? एक्स इक्वल्स टू -b - √2a, ठीक है? सो नाउ आई नीड योर हेल्प, b का वैल्यू कितना था? 3, b का वैल्यू 3, ओके सो 3, ठीक है? +5.6/2, a का वैल्यू कितना है? 4। अब बेटा इसके दो वैल्यूज आएंगे, एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, so we are going to get two values, one is a negative, one is a positive. So negative value कितना आ रहा है? 8.6/8। yes sir, yes sir. और positive में क्या आएगा sir? +2.6/8। अब
can pressure be a negative value? No, sir. So we will take this one, and this gives us approximately the answer that would come from here is approximately 0.32. 328. 328. So हमारे पास this is not the complete answer. हाँ, हमें answer क्या ढूंढना था? हमें answer बेटा ये ढूंढना था, ये और ये. ठीक है. So what is the partial pressure of carbon dioxide at equilibrium is 0.48 minus में क्या था? 328. Okay. And इसका answer क्या हो जाएगा? 2 × 0.328. So what is the answer, guys? If I'm not wrong, 328 ही था ना? कितना answer आया था? हाँ, 328. Okay. जल्दी से बताएं. What would be 0.48 minus 0.328? Sir, 0.16. 16? So 152. 152. And twice of 0.328? 0.656. ठीक है. और यूनिट क्या रहेगा? व्हाट विल बी द यूनिट? बार. यहां देखना. यस, द यूनिट विल बी बार. तो देख रहे हो क्वेश्चन एक्चुअली में, यू नो क्वेश्चन का व्हाट दे हैव डन इज द क्वेश्चन ऑफ क्लास 11th ends here, guys. The question of class 11 ends here. इसके बाद से आपने जो कुछ किया है, it is all class 10. It is all class 10 and class 8. So we need to make our basics very, very strong. जो मैं हमेशा कहता हूँ कि basics अगर हमारा strong रहेगा, तो automatically questions like this will also be easy. Main चीज क्या था इसमें? कैलकुलेशन ही तो था. सो इफ वी नो द कैलकुलेशंस वेल, इफ वी नो क्लास 10 का फॉर्मूला, इफ वी नो स्क्वेयर रूट का फॉर्मूला ऑफ क्लास 8, इट बिकम्स इजी. मैं आप लोगों को लॉग से भी सिखा दूंगा स्क्वेयर रूट कैसे ढूंढते हैं. सो व्हेन वी कम टू द लॉग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, आई विल टीच यू हाउ टू फाइंड द स्क्वेयर रूट बाय लॉग. ठीक है. तो आज के लिए यहीं पे. अगले क्लास में फिर ऐसे दो और क्वेश्चन बचे हैं, उसके साथ मिलेंगे.